प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा, राष्ट्रपति अब ईसाइयों के साथ, अब क्या होने वाला है, क्या ये खुशखबरी है, अभी बीते दिनों में क्या हुआ, सब कुछ बताऊंगा। और इस टॉपिक पे प्रभु क्यों लेके आया है, कौन सा वचन दिया है, ये हम सबके लिए जानना, हर एक मसीह के लिए जानना जरूरी है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आप डीपली वचन देते हो गहराई, ताकि हम वाक्य में भरोसा कर सके। और पिता, जिस पे भरोसा करना है पिता, आप बताते हो, मैं आपका विश्वास करता हूं। आज के इस अध्याय के लिए, टॉपिक के लिए, संदेश के लिए आपका धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। अच्छा लगता है जब कोई नेता या कोई बड़ा इंसान, जब परमेश्वर के मतलब ईसाई मसीह लोगों पे आता है बोलने के लिए फेवर में, अच्छी बात है, खुश भी होना चाहिए क्योंकि एक सपोर्ट मिलती है। लेकिन प्रभु ने मुझे क्यों बताया यह, और हम बहुत सारे मसीह लोग बड़ी जल्दी विश्वास कर लेते हैं कि नहीं, वो नेता हमसे आया है, या वो चर्च गया है, या वो राष्ट्रपति है, पीएम है, सीएम है ना, या फिर एक टॉपिक अगर देखा जाए, कोई व्यक्ति आया और कहने लगा मैं आपका सारा खर्च उठाऊंगा, तो या फिर हमने ये देखा, अरे वो चाचा है, अरे वो मामा है, वो मेरी मदद कर देगी, वो मेरी अमेरिका वाली मौसी है, वो मेरी मदद कर देगी, तुरंत हमारा भरोसा इंसानों पर आ जाता है। देखो, परमेश्वर ही इंसान की मदद करते हैं, इंसानों के द्वारा, दोहराई की बात नहीं है। परमेश्वर किसी भी मदद कर सकते हैं, वो मिरेकल मनी भी दे सकते हैं, वो दूध भी भेज सकते हैं। परमेश्वर डिपेंड नहीं है कि वो इंसान ही मदद करेंगे, परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज इन सब से मैं इन सब को लेकर आया हूं एक नए टॉपिक पे, प्रभु की अगुवाई से। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन हमें नई दिशा दे, ताकि हमारा भरोसा सिर्फ आप पे हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का वचन बोलिए, 100 गुना प्रतिफल मेरे साथ, मेरे लाइफ में लेके आए। बीते दिनों में एक वीडियो मैंने देखी, जो मसीबा अटैक हुआ और वहां पर राष्ट्रपति ने बयान आया, लिखित रूप से आया, एक भाई ने मुझे वीडियो, मैं देख रहा था तो वहां मुझे दिखा, काफी वीडियो भी वायरल है, कि राष्ट्रपति ने बोला कि हम कार्रवाई करेंगे कि मसीबा ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब एक फेवर दी है उन्होंने, तो मुझे अच्छा लगा और परमेश्वर धन्यवाद दे कि कोई आया सामने। लेकिन ठीक है, राष्ट्रपति बोले, पीएम बोले, सीएम बोले, ठीक है, अच्छा लगता है, इसमें कोई दुराई नहीं, कोई गलत नहीं। लेकिन हमारा भरोसा है, एक रियल फेथ किस पे होना चाहिए, एक विश्वास हम पे किस पे होना चाहिए। परमेश्वर तो मनुष्य को भेजेंगे, लेकिन फिर भी हमारा भरोसा किस पे होना चाहिए। अगर आपके घर में अचानक शादी है या अचानक कोई जरूरत पड़ गई, हमें किसको पुकारना है, वही मनुष्य को ले गए। अगर हमारा भरोसा पहले मनुष्य पे है, फिर परमेश्वर पे, तो याद रखना, हम पहले मनुष्य पे विश्वास कर रहे हैं, तो शापित है वो इंसान जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। वचन क्या कहता है, आज मैं आपको वो बताऊंगा, निकालेंगे वचन संहिता 146:1-6, तीन सिरे पद से पढ़ूंगा, 146 का तीसरा। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, देखो वचन साफ कहता है, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, न किसी आदमी पर, यही मुझे सब कुछ देगा, यही मेरा मामा है जो अमेरिका में नौकरी करता है, अरे ये मुझे, मेरी शादी होगी, मेरे घर में किसी की शादी होगी, ये दे देगा मुझे पैसे जितने मांगूंगा, एंड टाइम पे मुकर जाएगा। कोई भी हो, चाहे वो मामा हो, चाचा पड़ोस में कोई भी हो, या कितना प्रधान हो, या कितना भी आपका सपोर्ट हो, वचन क्या कहता है, तुम किसी आदमी भरोसा ना रखना, ना प्रधान पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उद्धार करना तो यीशु मसीह पे है, परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। हम जिस पे भरोसा करते हैं, वो अचानक हमें धोखा दे सकता है। प्राण निकलने का मतलब है वो मृत्यु नहीं है, यानी कि वो यहां से जा सकता है। वचन ये कहता है कि उसका भी प्राण निकलेगा, यानी कि वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अचानक से वो नष्ट कैसे हो जाए, कि आपने फोन करा, अरे वो तो देश छोड़ के चला गया, अरे वो तो है नहीं यहां पर, सडनली सब कुछ ब्लॉक हो गया, मना कर दिया। क्या लिखा है, उसका भी प्राण निकलेगा, भाई मिट्टी मिल जाएगा। अरे आपको भरोसा था उस पर, उसकी तो भैया बीती दिन में डेथ हो गई है ना, अब क्या करेंगे, मेरा भरोसा तो उस पर था, या वो कहीं चला गया, यानी कि भरोसा टूट गया। लेकिन जब यीशु मसीह विश्वास करते, जो सदा जीवित है, वो यीशु मसीह जो हमारे और आपके साथ हमेशा रहता है, जो मुसीबत देख के भागता नहीं, मुसीबत देख कर हमें साथ रहता है और मुसीबत से हमें निकालता है। वचन क्या कहता है, उसका भी प्राण निकलेगा, वही मिट्टी मिल जाएगा, उसी दिन उसकी सब कल्पना नष्ट हो जाएगी, सब कल्पना नष्ट हो जाएगी, सोच विचार खत्म। क्या ही धन्य है वह जिसका साय याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। क्या बात, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर है, वह आकाश और पृथ्वी और समुन्द्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है, वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है, करता रहेगा। आगे पढ़ेंगे तो ये लिखा है, वह पीसीओ का न्याय चुकाता है और भूखे रोटी देता है,
यहोवा बंदियों को छुड़ाता है, यहोवा अंधे को आंखें देता है, यहोवा झुके को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशी की रक्षा करता है, अनाथ विधवा को संभालता है, परंतु दुष्ट के मां को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहे, यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो स्टिंग के द्वारा। तो आज प्रभु ने यही कहा है कि हमारा भरोसा सिर्फ उसी परमेश्वर पे, परमेश्वर मनुष्य को लेके आएंगे, लेकिन धन्यवाद मनुष्य कितना अच्छा है, धन्यवाद भाई आपने ये काम करा, अच्छी बात, ये हमारा आदर सम्मान है, लेकिन भरोसा, टोटल भरोसा परमेश्वर पे, पहला धन्यवाद, पहला भरोसा वो, फिर उसके बाद हम किसी और को कर सकते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आप बड़े की बात बताते हो ताकि हमारा भरोसा एकदम से किसी मनुष्य पर आ जाए, हम ये ना सोचे कि वो मेरी मदद करेगा, ये मैं ठीक हो जाऊंगा, ये वो मुझे करेगा, या वो दास हो, कोई भी हो, सिर्फ मदद करने वाला, छुटकारा देने वाला सिर्फ आप हो पिता, आप उद्धार करने वाले हो और आप ही मनुष्य को नियुक्त करते हो, वो मनुष्य जो आपकी ओर से आते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि वो दूत के समान होते हैं, वो सरदूत के समान होते हैं, सरदूत को भेजते हो, आप किसी को भी मदद के लिए भेज सकते हो। आज मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इन कब्रों तो जो अभी बिल्कुल मनुष्य पिता, अब वो हट चुका है, वो तेरे पे आ चुका है, अब इनके जीवन में जो काम रुके हुए पूरे होंगे, क्योंकि आप अब आप भेजोगे इनके जीवन में दूत जो सारे काम पूरे करेंगे, मैं विश्वास करता हूं। आज के संदेश के द्वारा हमारा मन और हमारा भरोसा सिर्फ आप पर आया, मैं विश्वास करता हूं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, जय मसीह।